दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहली बार जनता को संबोधित किया। उन्होंने 2011 के जन लोकपाल आंदोलन की यादें ताजा की, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के बाद भी वह जनता के बीच वापस आकर उत्साहित हैं। केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ा और पहली बार में ही दिल्ली में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं दी। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें सत्ता में बने रहने का लालच नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए कहा कि वह देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं, न कि कुर्सी से प्यार करते हैं। इस्तीफे के बाद वह जनता के बीच रहकर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। अपने भाषण में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईमानदार सरकार को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने की कोशिश की गई। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, जिस पर लोगों ने समर्थन में हाथ उठाया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और BJP पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं को लालच देकर और ED CBI की धमकी देकर जेल भेजा। उन्होंने मोहन भागवत से पूछा कि क्या यह देश के लिए खतरा नहीं है और क्या उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को अपनी अग्नि परीक्षा बताया। उन्होंने कहा कि अगर जनता को लगता है कि वह ईमानदार है तो उन्हें वोट दे। झाड़ू के चुनाव चिन्ह को ईमानदारी का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता की ईमानदारी की कसौटी पर ही वह खड़े उतरेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। कैसे आप लोग? दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान, लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ और जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ और जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में,
तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे, देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे, और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, उन्होंने षड्यंत्र रचा केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो, और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों अब हम जेल से बाहर आ गए, और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था, पैसे नहीं कमाने। देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों